मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि पैन एंड आधार आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। और अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ओटीपी आपके पैन डेटाबेस से लिंक मोबाइल एंड ईमेल आईडी पर जाएगा। बट अगर हम बात करें अपडेशंस की, आधार की अपडेशन बड़ी सिरदर्दी है। एड्रेस चेंज कराना एक टास्क हो जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होती प्रोसेस। इस केस में कई बार आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है एड्रेस अपडेट कराने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है 3 जनवरी 2022 की, आधार के एड्रेस को चेंज कराने के लिए आपकी जो अपडेशन प्रोसेस है उसमें चेंज करा गया है। ये प्रोसेस अब आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। इस केस में दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी, मान लीजिए मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी रजिस्टर है, मेरे साथ मेरे स्पाउस रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं। तो अब मेरा एड्रेस तो मेरी प्रॉपर्टी एड्रेस के बेस पर अपडेट हो जाएगा आधार में, बट मेरे स्पाउस के केस में उनका एड्रेस अगर हम उस प्रॉपर्टी का ऐड कराना चाहते थे तो उनके लिए होता था कि ये तो आपका एड्रेस प्रूफ है ही नहीं। तो अब जिस पर्सन के नाम से प्रॉपर्टी है वो हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा और उसके साथ आपको अपना रिलेशनशिप प्रूफ करते हुए वो एड्रेस चेंज कराने की पूरी प्रोसेस चेंज करके हमें बताई गई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है प्रेस रिलीज, जिसका टाइटल है UIDAI एनेबल हेड ऑफ फैमिली बेस्ड ऑनलाइन एड्रेस अपडेट इन आधार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हेड ऑफ द फैमिली वाला एड्रेस आपको अपने आधार में अपडेट कराना होता था तो इसमें हजारों दिक्कतें आती थी। चाहे आप ऑफलाइन भी चले जाओ, ऑफलाइन सेंटर पे भी जाके वो पर्सन आपसे किसी आपके एरिया के तहसीलदार या कहीं एरिया के जो हेड है उनसे लिखवाने के लिए बोलता था पेपर पे कि आप उनसे ऑथराइज करा के लाइए, अप्रूव करा के लाइए कि यस आप इस एड्रेस पर रहते हैं एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर इसके लिए प्रेस रिलीज इशू कर दी गई है, रेजिडेंट्स कैन अपडेट एड्रेस इन आधार ऑनलाइन विद द कंसेंट ऑफ देयर हेड ऑफ फैमिली, HOF कैन अप्रूव और रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस रिक्वेस्ट, एंड HOF बेस्ड ऑनलाइन एड्रेस अपडेट टू बेनिफिट रेजिडेंट हु डोंट हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओन। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी में रहती हूँ जो मेरे नाम पर है, मेरे साथ मेरे स्पाउस एंड बच्चे भी रहते हैं, तो मेरा एड्रेस तो मेरी प्रॉपर्टी एड्रेस जो मेरे पास एड्रेस प्रूफ है उसके बेस पे अपडेट हो जाएगा आधार में, बट स्पाउस के और बच्चों के एड्रेस में अपडेशन में दिक्कत आएगी। तो उसी के लिए अभी नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है ना में, वो आपको समझना जरूरी है। और ये जो प्रेस रिलीज है ये ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आपको टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है और सर्च करना है CA गुरुजी, क्विक एंड इंस्टेंट अपडेट हम आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस फैसिलिटी के लिए बोला गया है करना क्या है, पर्सन को उसके पास एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। वो प्रूफ क्या हो सकता है? राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। पासपोर्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ बोथ द एप्लीकेंट, जो भी दोनों एप्लीकेंट है HOF के साथ साथ एप्लीकेंट और HOF दोनों का ही उसमें नाम होना चाहिए। ऐसा आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना है एंड रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी लिखा हो, एंड OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन बाय HOF इन केस इवन प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप अगर है तो फिर तो आप दे दोगे, बट नहीं है तो क्या करना है? देन UIDAI प्रोवाइड द रेजिडेंट टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द हेड ऑफ द फैमिली इन द UIDAI प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो UIDAI का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होगा उसमें अगर आप उसका हेड ऑफ द फैमिली अगर उसमें डिक्लेरेशन दे देगा कि यस ये पर्सन मेरे साथ रिलेटिव है, क्या उसके साथ उसका रिलेशन है, तो वो भी वर्क कर जाएगा। देन विद द पीपल मूविंग सिटीज एंड टाउन ड्यू टू वेरियस रीजन विद इन द कंट्री सच अ फैसिलिटी विल बी बेनिफिशियल फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल। दिस चॉइस वुड बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग एड्रेस अपडेट फैसिलिटी। तो आपको मैं UIDAI की वेबसाइट पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर ना आपको ये ऑप्शन दिखती है अपडेट आधार, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखती है अपडेट एड्रेस इन योर आधार। इस ऑप्शन को अब आप क्लिक करेंगे ना तो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे सकती हैं, नॉर्मल केस में अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए और HOF वाले रूट के थ्रू जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ इसके, ठीक है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग एड्रेस अपडेट फैसिलिटी यूजिंग एनी वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब बाई UIDAI एनी रेजिडेंट अबव द एज ऑफ 18
can be of the head of the family for this purpose and can share his or her address with his or her relative through this process. तो अब करना क्या होगा, आपको जाना होगा माय आधार पोर्टल पे, myaadhar.uidi.gov.in. वहाँ पे ऑप्शन चूज करनी होगी आपको टू अपडेट एड्रेस ऑनलाइन फॉर विच द रेजिडेंट विल बी अलाउड टू एंटर द आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली. उसमें आप आधार नंबर किसका डालोगे, हेड ऑफ द फैमिली का भी, विच विल ओनली बी वैलिडेटेड. इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे हेड ऑफ द फैमिली की नहीं मांगी जाएगी. देन आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ आधार ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, रेजिडेंट को अपलोड करना है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट और साथ ही 50 रुपीज की सर्विस फीस पे करनी है. और उसके पे होते ही एक SMS सेंड किया जाएगा हेड ऑफ द फैमिली को. हेड ऑफ द फैमिली को उस SMS के बेस पर उस सर्विस रिक्वेस्ट को या तो अप्रूव करना होगा या रिजेक्ट करना होगा. अगर अप्रूव करना है तो भी लोग अपनी कंसेंट देनी होगी बाय लॉगिंग इनटू माय आधार पोर्टल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिफिकेशन एंड देन रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस. और अगर वो रिजेक्ट करना चाहेगा तो भी विद इन 30 days करना होगा और 30 days के बाद अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो ये रिक्वेस्ट क्लोज हो जाएगी एंड दिस विल बी इन्फॉर्म अबाउट द क्लोजर ऑफ रिक्वेस्ट वाया SMS टू द जिसने भी अप्लाई किया होगा. एंड इन केस द रिक्वेस्ट इज क्लोज और रिजेक्टेड ड्यू टू नोन एक्सेप्टेंस ऑफ HOF, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, कोई एक्शन ही नहीं लिया और रिजेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, द अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड टू द. तो आप अब इस ऑप्शन को यूज करिएगा. अगर आपको ये दिक्कत आ रही थी कि आपके नाम से तो एड्रेस प्रूफ था ही नहीं पर आपके रिलेटिव के नाम से था, तो अब आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के बेस पर अपना एड्रेस आधार में अपडेट करा सकते हैं. और आपके पैन एंड आधार आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और UIDI की वेबसाइट पे आके आप आधार अपडेशन कर सकते हो, अपना मोबाइल भी अपडेट कर सकते हो, email ID भी अपडेट कर सकते हो, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो. कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन अपडेट करने को नहीं मिलती हैं, कुछ ऑफलाइन ही होते हैं. कई बार ये वेबसाइट भी बहुत ही स्लो काम करती है, वर्क नहीं करती है, इमरजेंसी के केस में आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ता है. बट एटलीस्ट आपको ये प्रोसेस पता है तो आप ऑफलाइन भी जाएंगे तो आपको वो पर्सन इसी तरह से ही गाइड करेगा. मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अवेयर नहीं होंगे आप. अगर आप किसी चीज़ से अवेयर नहीं होते ना तो कोई भी पर्सन आपका फायदा उठा सकता है, हो सकता है वो आपका एड्रेस अपडेट ही ना करें इस वजह. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में. अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी. इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है. साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है. अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं. TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है. बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है. देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते. तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन और बहुत ही मिनिमम कोर्स पे अवेलेबल है. सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है. MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने. देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज हैं. मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है. इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं. देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है, बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो, एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली. मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है. बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है. इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीज़ों के लिए काम आएंगे. तो इस कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए. कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं. कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.